ये है दिल्ली दर्पण। जहां देश ने ड्राइवरलेस मेट्रो के जरिए विकास की तरफ एक कदम बढ़ाया है, वहीं देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों का बारिश के चलते बुरा हाल हो रहा है। दिल्ली के इंद्रलोक, शहादरा आदि मेट्रो स्टेशन की छतों से पानी टपक रहा है। पानी टपकने की वजह लगातार दो दिनों से हो रही बारिश है। जब इस बारे में मेट्रो स्टेशन पर काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पानी सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले 6 दिनों तक यूं ही टपकता रहेगा, क्योंकि मेट्रो स्टेशन की छत की मरम्मत नहीं हुई है, जिस वजह से स्टेशन की छत पर पानी जमा हो जाता है और वही पानी कई दिनों तक बूंद बूंद कर टपकता रहता है। पानी से बचने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने जगह जगह बाल्टियां लगा रखी हैं। जब हमने उनसे पूछा कि इसकी शिकायत क्यों नहीं की तो उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत की जा चुकी है पर कोई ठोस कदम नहीं लिए गए। अब हमें ही बाल्टियों के जरिए पानी को रोकने का इंतजाम करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल शादरा मेट्रो स्टेशन का भी है। यहाँ भी मेट्रो स्टेशन के हर पिलर से पानी टपक रहा है पर शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। स्टेशन पर पानी की ये तस्वीरें साफ साफ स्टेशन के हालात को बयां कर रही हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए नेहा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर